नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। साल के अंत में ही रीवा में जनता के समस्या का सुलझावे के लाने सीएम हेल्पलाइन निराकरण शिविर के आयोजन कीनगा। एमा ऐसा मामलों की सुनवाई भय जोने में कार्रवाई तक कीन गई रही, पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं आए। अपना का बताया गई की गुरुवार में सुपरिटेंडेंट रीवा अनुभाग के संबंधित थानन के मामलन के सुनवाई भय। देखी कार्रवाई के वीडियो। इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं जिसमें कार्रवाई होने के बावजूद भी फरियादी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, उनकी कुछ और शिकायतें होती हैं। थाना स्तर से उन शिकायतों का निराकरण अच्छे से नहीं हो पाने के कारण, फरियादी के आवेदक के संतुष्ट न होने के कारण से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया। सिमरिया विधानसभा के मढ़ा बहुरीबाद के सड़क के भूमि पूजन कुछ दिन पहले सिमरिया के विधायक के पी त्रिपाठी करे रहे हमा। अब ये सड़क के ठेका वो अपने करीबी दिलीप शर्मा का, जौन के इटहा गोलीकांड के आरोपी के चाचा आही उनका दिन। अपना का बताया दी कि ये सड़क के लागत करीब 35 लाख रुपया बताई जा रही है। सड़क के काम शुरू भा और गिट्टी डाल दिन गए, जोने के मोटाई 1 इंच नहीं आए। यहीं से थोड़ा का पानी गिरे से जो नीचे के सड़क पहले से बनी रही वो दिखाए लाग। काम के शुरू होता है भ्रष्टाचार के आलम देखे के मिलल है। अपने को बताया गई कि केपी त्रिपाठी के चहेता दिलीप शर्मा के भतीजा किसान राम प्रकाश यादव उर्फ लल्ली के गोली मार के हत्या कर दिए रहे हम। मृतक के परिजन पहले विधायक के ऊपर आरोपी का संरक्षण दे के आरोप चिलाए चिलाए के लगाए रहे हम। विधायक अपने आईटी सेल के नशेड़ियन से उल जुलूल मैसेज करवाए के अपने ऊपर लगे आरोपन का धोबे के प्रयास कर रहा हम। अपने को बताया गई कि केपी त्रिपाठी के ऊपर आरोपी का संरक्षण दे के आरोप लगा हुआ एक साथ है। उनके पर यह आरोप है कि वो गांजा तस्करन का संरक्षण दे था और हमने मढ़ा के लिए 2-4-10 लाख रुपए नहीं 35 लाख 1 हजार रुपए बहुरी बांध से मढ़ा तक शानदार बढ़िया रोड डामर बस छोड़ के और बाकी शानदार रोड बनाने का काम। रीवा जिला में ही साल के अंत में 3 हत्यान का अंजाम दे के आरोपी पुलिस का खुली चुनौती दी नहीं बै। ताजा मामला सुहागी थाना क्षेत्र के आए जहां पर दिल दहलाए दे वाली घटना भय। अपना को बताया दी के लापता युवक के शव जंगल में मिला हवे, जोने के सीना में गोली मारकर उनका मौत के घाट उतारा गा। शव छत विच्छत हो चुका हवे, मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची रही और साक्ष्य जुटाई नहीं भय। उन्हें संदेहन के पुलिस धर पकड़ शुरू कर दी भय। अपने को बताया दी कि शिवम मिश्रा जिनकर उम्र 25 वर्ष अब है, अंजोरा के रहैया ही जो उनके 24 दिसंबर का लापता हो गए रहे, जिनका रिपोर्ट 25 दिसंबर का दर्ज कराई गई रही है। वहाँ बुधवार का सांझ के जंगल में जाए वाले लोग बताएं के सागौन के पेड़ के नीचे युवक के शव पड़ा हवे, जोने के सूचना मिलता है क्षेत्र में सनसनी फैल गई हुए। जिला में ही एक बार पुन के चोर उचक्कन के हौसला बुलंद हमा। ताजा मामला आए समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर के जौन के प्रताप गार्डन में ही, जहाँ निर्माण के काम चल रहा है वहाँ दुई लोगन का घुसे आसपास के लोग पकड़ ली नहीं भाई। जौन के बाद के पहले तो जम के खातिरदारी कर और बाद में उनका पुलिस के हवाले करी। अपने को बताया गई कि पुलिस दोनों युवक का पकड़ के ले जा रही, जोने माँ एक ठे आरोपी भाग निकला है। पकड़ा आरोपी कबूल करीन के उ निर्माण वाले भवन से लोहे के छड़ का काट के ले जा रहे हम। चोर आए पकड़ा गया है आज रात में, तार चोरी करत रहा सर। साफ बताइए धीरे धीरे। हाँ बता दे तो छूट जावे, नहीं तो बहना आ जाए पुलिस तो कोगरे छूट जाते नुकसान के भरी ना हो। तो लंबा है पता है नुकसान के भरी है। आही सब सखिया है आही बताए नहीं, सब सारे गुट रहा थे इन घर वीडियो बनावा ये सब साथ ही आही है घर।
अरे तार सरिया तार सवरिया खुद है बता सवरिया खूब बताने हैं सारे बता दे बहनों टाइम है और साथ इनके नाम अरविंद दोन जन है सबूल बना चोरी करे है और पता है को कर रहा था चोरी साथ ही नहीं आता और चोरन के नाम बता दे ठीक से बोल राजू बनाम के खाई सी तो फिर आज के समाचार यहां तक काल के पुन पेश हो तब तक के लाने देखत रही हमार विंध के बघेली समाचार नमस्कार।